देखिए, काफ़ी समय से इस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही है। मैं पूरे देश की बात करता हूं कि अभी चंडीगढ़ में एक बम धमाका भी हुआ और हिमाचल में लगातार धमकियां दी जा रही है। इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और जो केंद्र सरकार है, जो खुफिया तंत्र है, वो उनके पास है। उनके पास IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसी तरह से हिमाचल की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी अपनी CID है। मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी धमकी को जो है आसानी से नहीं ले सकते। सरकार को चाहिए कि इस की पूरी तहकीकात हो और जो भी लोग इसके पीछे शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा आपने कहा कि दो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं, ये वास्तव में इस बात का खुलासा होना चाहिए। इसलिए केंद्र, ये जो एजेंसीज हैं, उनको और ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रेडिकल्स पंजाब में आपका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अभी फौरी तौर पे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ये जाँच का विषय है और जाँच जो है जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को जो है और ज़्यादा मुस्तैदी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चाहे केंद्र सरकार है या हिमाचल सरकार है, अगर वो कमज़ोर पक्ष रखेगी, क्योंकि अपराधियों के हौसले तब बढ़ते हैं जब सरकार कमज़ोर होती है, तो इनके हौसले ना बढ़े इसलिए सरकार को जो है तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत। जो हिमाचल के प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया है, मैं भी उस बयान में अपने आप को शामिल करता हूं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी जो परीक्षा की जो विश्वसनीयता है वो कायम रहनी चाहिए।